अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सारी जो है ना ब्लशेस कलेक्शन, जो है ना क्रीम ब्लश भी है, पाउडर ब्लश भी है, तो वो मैं शेयर करने वाली हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोग से चले अपनी कलेक्शन शेयर करती हूँ। थोड़ी सी है मतलब एक्स्ट्रा जो है ना एक्सपायर हो जाती है, वो मैं रखती नहीं हूँ और वो ही रखती हूँ जो मेरे यूज की होती है, ठीक है। और मुझे पर्सनली जो है ना क्रीम ब्लशेस बहुत ज्यादा ही कुछ पसंद हैं। पाउडर ब्लशेस मुझे कोई इतने खास नहीं पसंद, इसलिए मेरे पास दो तीन है, ठीक है। तो वन बाय वन मैं आपको स्वाचेस भी दिखा दूंगी और वैसे भी बताऊंगी कि अफोर्डेबल भी हैं और कुछ प्राइस में थोड़े से हाई भी हैं। और पैलेट मैंने एक ही रखा था क्योंकि ना मुझे ऐसे लगता है कि पैलेट में सारे कलर्स आपके यूज़ के नहीं होते, तो अगर आप इस तरह सेपरेट लेते हो ना तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना कलर ले लेते हो, ठीक है। तो पैलेट मेरे पास एक ही था। ऐसे ही है था कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो आपके पास एक आध जो है ना पैलेट होना चाहिए जिसपे सारे जो है ना शेड्स मिल जाएं। और ये जी एल्फ का है, चले सबसे पहले मैंने यही उठाया तो इसी से मैं आप शुरू करती हूँ। ये है एल्फ का, ठीक है। और इसमें जी फोर शेड्स हैं और इसमें दो पैलेट आते हैं ये क्रीम ब्लशेस के। एक सॉफ्ट है, आई थिंक एक बोल्ड के नाम से आता है। वो जो बोल्ड के नाम से आता है वो थोड़ी सी व्हीटिश डार्क स्किन कम्प्लेक्शन के ऊपर सूट करता है, और ये जो कलर ना ये थोड़े से लाइट टोन स्किन पे जो ना सूट कर जाते हैं। और मैं ज़्यादा ये वाला यूज़ करती हूँ, ये यूज़ करती हूँ। इनको ना मैं सम टाइम आईज पे यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है और इसके जो है ना वो है मिरर की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आप लोग चेक कर सकते हो, तो वर्थ बाइंग है, तो अच्छी चीज़ है, ठीक है ना, अगर आपको चार कलर मिल रहे हैं। उसके बाद जी ये फोकलर का है और ये बड़ा रीजनेबल, इजीली ये थोड़ा सा जो है ना वो है पाउडर, बट इसकी पिगमेंटेशन बहुत हाई है, स्ट्रांग है। और इसमें ये एक कंटूर है, ये मेरे नेल पे क्या लगा हो गया, ग्लू लग गई है। अच्छा, एक ही कंटूर के लिए कलर है, ये हाइलाइटर है, ये एक बहुत ही पिची टाइप का ना, तो ये है ब्लश। और इसकी ज़रा सा लगाओ ना तो आप इसकी पिगमेंट देख लें। और ये होता है कि आपने ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपके बैग में रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें हाइलाइटर भी है, ब्लश भी है और कंटूर भी है, तो इस हिसाब से जो है ना काफ़ी अच्छा है। 02 इसका नंबर है, ठीक है जी। और दूसरा भी फोकलर का है, इसका मैं रिव्यू भी कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे इसका पड़ा हुआ होगा। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है ना, जिसकी कोई हद नहीं। वो चीज़ जो टोटल 100% वाटर प्रूफ ऑफ लॉन्ग लास्टिंग है ना, वो है जी फोकलर का ये क्रीम ब्लश, ठीक है। और B01 इसकी प्राइस, इसमें भी फोर शेड आई थिंक आते हैं और ये जो है ना फेयर स्किन टोन पे अच्छा लगता है। मुझे थोड़े से पिची टाइप के जो है ना कलर अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये एल्फ का है, मैंने ले लिया था लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया। आई थिंक ये रात के टाइम थोड़ा सा यूज़ में अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा सा शिमर है, मुझे शिमर वाले इतने पसंद नहीं आते। मैट वाले मुझे जो है ना ब्लशेस वो ज़्यादा पसंद आते हैं, कि थोड़ा सा नेचुरल जो ना आपका लगता है। और ये एल्फ का है, क्योंकि ये आप लिप और चीक्स पे दोनों पे यूज़ कर सकते हो। 302 इसका शेड और बहुत ही मूसी टाइप इसका टेक्सचर है। और इनके रिव्यू तो मैं कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पर पड़े हैं। और ये जी मेरे सबसे मोस्ट मोस्ट फेवरेट मेरे ये जो है ना लशेस के क्रीम ब्लशेस हैं। और आपको ये जो है ना 15 ये 2000 अंडर 2000 जो ना आपको इजिली मिल जाते हैं। बहुत प्यारे कलर हैं, बहुत ही प्यारे कलर हैं। ये कलर अपनी जगह पे प्यारा है, ये अपनी जगह पे प्यारा है, उसको आप लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। इतनी नेचुरल लुक है ना जिसकी कोई हद नहीं। और ये मैंने बड़े ही यूज़ किए ना, एक टाइम था मेबलिन के दोनों ब्लशेज मैंने बहुत यूज़ किए थे, तो अब मैं काफ़ी टाइम से नहीं यूज़ कर रही क्योंकि सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ करती। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा जो है ना ड्राई हो जाती है और बड़ी केकी लगती है अगर मैं पाउडर यूज़ कर लूँ। गर्मियों के लिए बेस्ट होते हैं पाउडर, और अगर आप सर्दियों में यूज़ करना तो आप क्रीम ब्लशेस जो क्रीमी फॉर्म में होते हैं ना वही यूज़ करें, क्योंकि थोड़े से लॉन्ग लास्ट होते हैं, ज़्यादा टाइम आपकी स्किन पे गुजार देते हैं, ठीक है। और अगर आप गर्मियों में भी लगाएं ना, तो अगर आपकी नॉर्मल जो कम्बिनेशन स्किन है फिर तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो उनके लिए जो ना पाउडर ब्लश सूटेबल होते हैं। अच्छा, ये बहुत ही कम पैसों में ये एक चीज़ है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही आला है। अगर आप अपने ब्लशेस पे जो है ना 1000-1500 तक या इससे नीचे लेने चाहते हैं ना, तो एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ले लें, बट आपको अगर 400-500 के अराउंड लेनी है ना चीज़, तो ये मस्त है, ठीक है। ये टिंट टाइप है, लेकिन ये थोड़ी सी उस तरह का टिंट नहीं है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। टिंट की वीडियो भी आई थिंक मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, तो ये मोस्ट फेवरेट मेरे टिंट्स हैं। इसका भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत कमाल की चीज़ है, डेली यूज़ करने के पर्पज़ से अगर आपने लेनी हो। ये दी बॉडी शॉप का है, ये इसका मिट मुट गया तो मैंने बड़ा घसाया है, बड़ा यूज़ किया है,
तो प्राइस इसकी इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं लगता, लोग बड़ी तारीफ कर रहे होते हैं दी बॉडी शॉप का बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बट सच्ची बात है मुझे कोई इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं लगा जितना ये है। प्राइस में कम है और लॉन्ग लास्टिंग ये ना, मतलब कि ना मैं क्या कहूँ, अब जितना कह लें उतना कम है, ये इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं, लेकिन नो डाउट ये अच्छा है लिप और चीक्स के लिए टेंट। ठीक है, अब इन सब के जो ना मैं आपको स्वाचेस दिखाती हूँ, प्राइजेस मैंने अंदाजे आपको बता दिए क्योंकि प्राइजेस अप एंड डाउन होती रहती हैं, तो एक्यूरेट तो मैं कोई नहीं बता रही। तो इसके अलावा कुछ और आपने इनके बारे में पूछना हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको उनके स्वाचेस दिखाती हूँ, और बाकी ब्लशेस लेना हो तो आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग लिया करें। थोड़ा सा जो डार्क कलर होता है तो उस पर थोड़ा सा डार्कर जो ब्लश लिया करें, अगर आपकी लाइट फेयर स्किन टोन है तो उस पर लाइट पीची से और पिंकी से जो ना कलर्स अच्छे लगते हैं, और ये जो है दो बेस्ट कलर हैं। ठीक है, इसमें भी आई थिंक काफ़ी सारे शेड्स हैं, और मुझे ब्राउन शेड इस तरह के शेड्स बिल्कुल नहीं पसंद, बस मतलब अगर आसान अल्फाज में और शॉर्ट बात करूँ तो मुझे ये दो कलर पसंद है, एक डार्कर सा और एक ये पीची टाइप का। ठीक है, चलिए मैं आपको उनके स्वाचेस दिखाती हूँ सबके। अच्छा ये जो है ना मैंने अभी लिया है थोड़े दिन पहले, तो इसको आपने क्या करना है, इस तरह से जरा से इसका लगाना है एक ही, इसी तरह ये मतलब वाइट जैसे लोशन होता है ना, मतलब यहाँ मेरे स्टेन है अभी, मैं आपको बाजू पे लगा के दिखाती हूँ। ठीक है, अब ये जो है ना हमने एक मतलब थोड़ा सा ना इसको, ये भी थोड़ी सी ज़्यादा निकल आई है लेकिन आपने थोड़ी सी कम लेनी है। ठीक है, और इसके बाद इसको हमने इस तरह ब्लेंड करना है, आप ब्लेंड ऐसा ऐसा करते जाएंगे और इसका कलर आपको ना नजर आता जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी ज्यादा लग गई है, मैं थोड़ी ज्यादा फैला देती हूँ इसको, आपको इजी जो है ना नजर आए।
तो ये बिल्कुल जो है नेचुरल लगती है लगाए हुए। ये देखिए इसमें बिल्कुल अभी ये जो है ना बहुत लाइट सा लग रहा है, बट ये बिल्कुल नेचुरल जो है ना पिंक कलर होता है आपकी चीक्स का वो लग रहा है। इसमें सही ये जो है ना कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है इस कलर के साथ, बट ये देखें ये मेरा बाजू का कलर है और ये देखें पिंकी से इसका ये कलर। अब आपको ऐसा सा विजिबल हो रहा है ना बाजू का मेरा कलर और टिंट का कलर, टिंट नहीं इट्स मीन ये ब्लश है पिंकी का है, क्यूटिश पिंकिश का है और आपको 400 समथिंग या 500 के अंदर अंदर आपको ये टिंट टाइप है, क्रीम टिंट है ठीक है। वैसे टिंट को कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है जिस तरह वो स्टेन छोड़ते हैं ठीक है। तो बट इसमें कोई स्टेन नहीं, हम जिस तरह मर्जी इसको जो ब्लेंड करते जाएं और कलर निकलता जाएगा, आप चीज पे लिप्स पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ सारी की सारी मेरी जो है ना क्रीम ब्लश टाइप जो भी चीज़ें, टिंट अभी मैंने इसमें शामिल नहीं किए, बस ये एक आपको जस्ट दिखाने के लिए, इसको आप मतलब इसको जरा इजी आप कर सकते हैं लेकिन जल्दी जल्दी इसको ब्लेंड करना होता है, बाकी किसी के साथ कोई मसला नहीं है। ये थोड़ा सा आपने ना बहुत कम अमाउंट इसके लगानी है, बाकी सारे इजी हैं कि आप बड़े मजे से अपने पार्टी मेकअप हो या डेली भी और आपने लगा के कहीं जाना तो बड़ा। ये देखिए मेरी बाजू लालम लाल हो गई है जैसे किसी ने मार मार के जो है ना ये हालत करती है मेरी बाजू के, कलर देखिए वो आप कितना ये विजिबल हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा है, कम प्राइस में बड़ी अच्छी चीज़ है। तो बाकी उतनी चीज़ें लें जितनी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक्सपायर हो जाती हैं वो फिर आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती, और बस ज़्यादा कलेक्शन जमा करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप ये ही ले लेना तो आपके कई साल जो है ना गुजर जाते हैं एक ही ब्लश के साथ, क्योंकि ज़रा सी इसकी अमाउंट लगती है ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़रा ख्याल रखें और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फौरन से जाके कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा मेरा जो है ना क्रीम ब्लश अच्छा लगा है, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ढेरों ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।